नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं नवरेश शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा जिले के स्टेचू ऑफ यूनिटी के नजदीक बारफालिया गांव के लोग रह रहे हैं। यह लोग पिछले 30-35 सालों से यहां रहकर दुकान चलाकर अपना जीवन गुजार रहे थे। उन लोगों को आज बटी तंत्र द्वारा मौखिक में यह जगह से हटने के लिए बोला गया, जिसके कारण गाँव के लोग परेशानी में आ गए हैं और चिंतित हैं। अगले सोमवार तक इन लोगों को जगह खाली करने के लिए कहा गया है। आम लोगों में घबराहट है। ज्ञात सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक साल पहले भी बारफालिया शिमला कॉलोनी के लोगों को यहां से हटाया गया था और गोराकरती गांव के बाजू में उन लोगों को शिफ्ट किया गया था। हमारे संवाददाता ने दोनों स्थल पर जाकर गाँव के लोगों से बातचीत की और उन लोगों की परिस्थितियों के बारे में जानने का प्रयास किया। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक खास रिपोर्ट। कॉलोनी नजदीक सरदार सरोवर बंद आया हुआ है। यहाँ पर बारफरिया गांव के कुछ युवा लोग पिछले कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे और वो लोग दुकान करके अपना जीवन गुजरान चला रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर उन लोगों को सरकारी अधिकारियों द्वारा मौखिक में कहा गया है कि अगले सोमवार तक आपकी जो दुकानें हैं और जो घर है वो यहाँ से हटाने हैं, जिसके कारण वो लोग परेशानी में आ चुके हैं। आइए, हमारे साथ ये जो दुकानदार जो है वो लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरी घटना क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम प्यारे यशवंतलाल शुक्ला। क्या हुआ था आज? आज ये हुआ था, निगम में से आए थे कर्मचारी, बोले कि सोमवार को आप यहाँ से खाली कर दीजिए दुकान। तो मैं पूछा किस कारण से खाली करना है, उसका जवाब दीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मौखिक आके बोले कि नहीं, खाली करोगे तो डोजर आएगा, तोड़ ताड़ दे लेंगे। मैं कुछ जानता नहीं। अब मैं यहाँ 92 से अपना धंधा कर रहा हूँ, तो आज हमको हटा रहे, मैं कहाँ जाऊँगा? उधर टेचियो वाले धंधा का वहाँ नहीं करने देंगे, इधर डैम पे नहीं करने देंगे, तो हम मैं जाएंगे कहाँ? कल मैं बोला निगम को, हमको लिखित दीजिए, पीछे कर दीजिए, 10x10 का भी जगह दोगे तो हम लोग अपना रोजी चला लेंगे, लेकिन बोले कि हम लोग लिख के नहीं देंगे, आपको हटना है। पूछे किस कारण से हटना है, मैं पूछा, लेकिन जवाब कुछ नहीं दिए। बोले आप कलेक्टर में जाइए, वहाँ से जवाब ले दीजिए, यही हमको बोले। हमारे साथ और भी यहाँ पर एक बहन जुड़ चुकी है, आइए हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास भी आए थे तो यही बात बोल रहे थे कि सोमवार को खाली कर देने का, नहीं तो सोमवार को डोजर आएगा तो हम नहीं जानेंगे। जो अधिकारी यहाँ पर खाली करवाने के लिए आए थे उसको आपने यहाँ पर हटाने का कारण पूछा? पूछे तो बोलते हैं कि वो जाना पड़ेगा, तुम लोग सब लोग मिल के जाओ क्लटर ऑफिस पे। आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? 30-40 साल हो गया। तो अब यहाँ से आपको वो लोग हटाने के लिए आएंगे तो आप कहाँ जाओगे? आपका भविष्य का क्या? अब भविष्य क्या, छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, लोग अब कहाँ लेके जाएंगे? रोड पे ही जाना पड़ेगा, तोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? और भी यहाँ पर हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर 30-40 साल से रह रहे हैं और हम लोग यहाँ पर दुकान है, लेकिन अब यहाँ से हटाने का बोल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से हटा के हम लोगों को कहाँ भेजेंगे? वहाँ ना पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है, हम लोग जाएंगे कहाँ पर? आपको यहाँ से हटाने के लिए किसी भी प्रकार की नोटिस प्रशासन तंत्र द्वारा दी गई? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ से सिर्फ साहब लोग आके यहाँ पर बोल के चले जाते हैं, निगम के कुछ साहब लोग आते हैं यहाँ पर आके बोल के चले जाते हैं कि आपको यहाँ से सोमवार को खाली कर देना है। अब हम लोग इतना जल्दी यहाँ खाली करके क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? और भी यहाँ पर एक बहन जुड़ चुकी है, हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। जी बहन, ये पूरा मामला क्या है? वो ऐसे बोल रहे हैं कि अब यहाँ से दुकान खाली करना पड़ेगा। दुकान नहीं है, ये घर भी है, सब घर परिवार पूरा रहता है, 30-40 साल हो गया सब यहाँ पर रहते हैं और सबके छोटे छोटे बच्चे उस यही दुकान से सबका घर चलता है। नहीं किसी के पास नौकरी है, नहीं कुछ है, नहीं नौकरी देंगे, नहीं दुकान देंगे, तो ये कैसे चलेगा, कैसे रोजगारी चलेगा? सब सरकार तो बोलती है कि सबको रोजगार दिया जाएगा, सबको घर दिया जाएगा, सब मिलेगा, पर ये कर्मचारी जो खाली हटाने का काम जानती है, कोई दुकान नहीं देगा, ऐसी जगह दे रहे जहाँ पानी तक नहीं है, ऐसी पहाड़ियों के बीच दिया जा रहा है कि वहाँ कोई पूछने नहीं जा रहा है। अगले साल जिसको हटाया गया वो आज कैसी स्थिति में हो, जाके एक बार देखे फिर हम लोगों को हटाए तो अच्छा रहेगा। और नौकरी भी नहीं दुकान दे पा रहे तो कोई नहीं, नौकरी देना चाहिए, बच्चे पढ़ रहे उसको कहाँ से पढ़ेगा? वहाँ पानी तक नहीं, क्या वहाँ जाके पत्थर खाएगा बीच पहाड़ियों में? वहाँ कोई देखने तक नहीं जाता है, रोड तक नहीं है, पानी नहीं, लाइट नहीं, वहाँ कहाँ जाएंगे?
बोलते हैं तो बोलते सब मिल जाएगा, वो जो अगले साल से गया हुआ है कभी उन लोग को कोई सुविधा नहीं मिली है। और बारिश में पूरा घर में घुटने तक पानी भर जा रहा है, कीचड़ हो जा रहा है पूरा, तो वो लोग बना के देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो दुकान करके दो, दुकान करके जब झोपड़पट्टी नहीं अच्छा लग रहा है तो घर बना के दो, सब लाइन से तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो बना के दो, नहीं तो उन लोगों को बोलो कि अच्छा बना के रहो, पर नहीं बना के भी नहीं देना है, बनाना भी नहीं है, खाली खाली करो ऐसा बोल रहे हो लोग। आप अभी यहाँ पर जो ये ज़मीन पर जो धंधा कर रहे हो वो ज़मीन निगम की है या आपकी अपनी खुद है? मालिकी की ज़मीन है, सर्वे नंबर सब है, वो लोग को भी बताएंगे तो भी वो किसी की सुनने वाले हैं नहीं, वो लोग बोल रहे खाली करना है तो बस खाली करना है, नहीं तो डोजर आएगा, बोल के गए कि सोमवार तक गाड़ी आ जाएगा, अब अपना जुगाड़ कर लेने का, तो जुगाड़ कैसे करेगा, वहाँ कुछ देंगे तब ना खाली करेगा कोई। सरकार तो सब बोल रही है सबको रोजगारी मिलेगा मिलेगा, पर ये जो बीच के जो दलाल लोग हैं ना वो नहीं देंगे, और वही खा जा रहे पैसा वैसा सब दे रही सरकार, पर ये लोग ऐसे है कि वही खा रहे सब, वो लोग को किसी को देना नहीं है, गरीबी है, गरीब लोगों को कुछ देगा तब तो गरीबी मिटेगा ना, वो यहाँ से ऐसे हटा रहे तो गरीबी रह जाएगा, ऊपर कोई आने वाला नहीं है। तो ये थे यहाँ पर सरदार सरोवर नर्मदा बांध के नज़दीक बारफलिया गांव में के रहने वाले लोग, जिन लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर पिछले 35-40 सालों से रह रहे हैं और यहाँ पर हम दुकान करके हमारा जीवन गुजरान चला रहे हैं। हालांकि यहाँ पर गुजरात सरकार और भाजपा सरकार जो है वो गरीबों को रोजी देने की बात करती है और गरीबों के लिए उन्होंने काफ़ी योजनाएँ यहाँ पर बाहर लाई है, लेकिन गाँव लोगों का कहना है कि यहाँ पर सरकार के ही सरकारी अधिकारियों द्वारा हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्या सरकार इन गरीब लोगों की बात सुनेगी? आइए हम आपको उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर इन लोगों को शिफ्ट किया है और वहां पर उन लोगों को कैसी कैसी सुविधाएं दी गई है वो हम आपको दिखाते हैं। गर्डेश्वर तहसील के गोड़ा गर्दी गांव के बाजू में आए हैं। यहां पर कुछ लोग वसवाट कर रहे हैं जो लोग पहले बारफरिया शिमला कॉलोनी में रह रहे थे, हालांकि पिछले एक साल से उन लोगों को यहां पर शिफ्टेड किया गया है। आइए हम ऐसे ही कुछ परिवार लोगों के साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। गोड़ा गर्दी गाँव के बाजू में आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लोग हैं यहाँ पर जो रह रहे हैं वो पिछले एक साल से बारफरिया शिमला कॉलोनी में वो लोग रह रहे थे, हालांकि पिछले एक साल से वहाँ से उन लोगों को हटाया गया है और यहाँ पर उन लोगों को शिफ्ट किया गया है। आइए हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है? हमारा नाम यशवंत लाल लालमणि शुक्ला है। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हो? हम 45 साल से शिमला कॉलोनी बारफरिया में रहते थे और वहाँ हमारा 3 दुकानें थी, लाइसेंस वाली दुकानें थी, वहाँ धंधा अच्छी तरह चलता था। और बहुत पहले जिस समय आज के PM CM में थे उस समय उन्होंने संदेश पेपर में निकलवाया था कि 10 साल एक जगह जिसको हो गया उसको हटाया नहीं जाएगा, उसको कायदे सर किया जाएगा। उस पेपर को पढ़ करके हम वहाँ काफ़ी खर्चा करके अपना दुकान और रहने के लिए सब कुछ बनाया, वहाँ कम से कम 10 पेड़ आम का लगाया, नींबू, हर एक जात की साग सब्जी, और उससे गुजरान करते थे। धंधा अच्छी तरह चलता था और हमारे लड़कों को नौकरी नहीं मिली, सब धंधे में लग गए। आज वहाँ से हटा करके कम से कम एक साल हो गया, यहाँ पर ले आए बोले सब सुविधा मिलेगी, पानी, बिजली, लाइट, संडास की। लेकिन साहब आज 2 दिन हो गया मैं खुद संडास नहीं गया हूँ, 2 दफ़े जंगल में संडास करने के लिए गया, वहाँ औरतें थी, वापस आ गया, इधर गया पहाड़ी पे चढ़ने के लिए तो वो पहाड़ देख लीजिए आप कितनी ऊंचाई ऊपर है, वहाँ चढ़ नहीं पाया। फिर 50 रुपया खर्च करके पेट्रोल भरा एक आदमी को तो जा करके मैं केवड़िया में संडास करके आया हूँ, इतनी परेशानी हुई है। हमारी उम्र इस समय रनिंग 83 चल रही है, हमारी मिसेज की 78 है, इतनी उम्र में हम लोग कहाँ जाएँगे संडास करने के लिए, कहाँ जाएँगे, कोई सुविधा नहीं है। पानी पीने के लिए हैंडपम्प से भर के लाते हैं, टैंकर आता है वो भर देता है पानी, तो जब तक चलता है चलाते हैं, एक ही दफ़े टैंकर आता है, दूसरी दफ़े टैंकर भी नहीं आता है। लाइट की टेम्परेरी सुविधा दिए हैं, लाइट मिल रही है, लेकिन रोड लाइट नहीं है, अंधेरे में जंगल में हम लोग पड़े हुए हैं। कितनी परेशानियाँ हैं अगर उसको गिनाऊँ मैं तो एक अच्छी बुक तैयार हो जाएगी या सिनेमा तैयार हो जाएगा परेशानियों का। और यहाँ न कोई सुविधा है, नौकरी धंधा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम लोग कमाए थे वहाँ मकान हटाने में खाली हमको कार्टिंग के लिए गाड़ियाँ मिली, अपने मजदूर करके उसको तोड़ करके यहाँ ले आए, बनाए, जो कुछ पैसा हम लोगों के पास था वो भी खर्च हो गया। इस समय खाने के लिए वो जो परेशानी पड़ रही है वो यहाँ के रईस ही बता सकते हैं, दूर से आने वालों को नहीं पता चलेगा। हमारा कपड़ा देख के आपको लगता होगा कि एटेस्ट में है, ये कपड़ा मैं आज के 5 साल पहले के सिला हुआ पहन रहा हूँ। आज हमारे पास नया कपड़ा खरीदने के लिए नहीं है, अनाज खरीदने के लिए नहीं है,
हम लोगों का राशन कार्ड है, वहाँ जाने लेने जाना पड़ता है। परेशानियों का तो साहब ये समझ लीजिए कि खजाना है हम लोगों के पास, कितनी परेशानी बताएं। हम यही चाहते हैं कि हम लोगों के लिए रोजी की कोई सुविधा मिल जाए। तीन तीन दुकान लाइसेंस वाली, आज एक दुकान नीचे रह गई है, वो भी हटाने के लिए कह रहे हैं, उसी से थोड़ा गुजरान चलता था, वो भी हट जाएगी तो हम क्या खाएंगे। हमारा 11 आदमी का कुटुंब है, 11 आदमी में कोई कमाने वाला नहीं है, धंधे से ही हम खाली, लगभग यहाँ जितने आदमी आए हैं सब धंधे से ही गुजरान करने वाले थे। कोई पथारा था, किसी की दुकान थी, कोई कैसे भी करता था, किसी को नौकरी नहीं है, एक भी व्यक्ति की नौकरी नहीं है कि जो नौकरी के पैसे से अपना गुजरान चला सके। मतलब सुविधाएं अगर अधिकारी लोग यहाँ आकर देखें, जब वो हटाया गया तो सारी सुविधा मिल जाएगी, लेकिन कहाँ गई सुविधा, खाली एक लाइट मिल गई है, वो भी एक मतलब कि रोड लाइट तो नहीं है। और यहाँ का रोड आप देख लीजिए, टैंकर आता है वो रोज़ बोलता है कल नहीं आएगा, देखिए यहाँ खड्डा पड़ा है, हमारा टैंकर फंस जाता है बरसात में, हम लोग रोड से पानी ढो ढो के लाए हैं, वहाँ रोड पे टैंकर खड़ा रहता था, कम से कम 500 मीटर पानी वो घड़ा भर भर के अपने घर में लाए हैं। तो और भी यहाँ पर हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? महेंद्र सुरेश भाई पटेल है हम। आप पहले कहाँ रहते थे? पहले शिमला कॉलोनी बारफड़िया में रहते थे हम। यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हो? हम लोग अभी 8 महीने से हमको यहाँ पर छोड़ दिया गया है, लेकिन हमको जब से यहाँ से रख के गया तब से कोई हम लोग को देखने भी नहीं आया कि किस तरह से रह रहे, क्या कर रहे, किस तकलीफ से झेल रहे हैं, अभी तो कोई देखने है। एक साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं है, हम लोग अपना गुजारा किस तरह से कर रहे हैं हमारा मन जानता है। कोई यहाँ देखने भी नहीं आया, हम अपने खर्चे से सब कुछ बनाया, जो कुछ पूंजी हमारे पास में था सो पूंजी हमारे घर बनाने में हमने लगा दिया। उसके बाद में हमारे पास ना कोई पैसा है ना कुछ है, हमारे पास ना बेरोजगार हम लोग यहाँ पर रह गए। जी यहाँ पर सुविधाएं की बात अगर की जाए तो यहाँ पर कैसी कैसी सुविधाएं आपको दी गई है? दिए गए थे जैसा मतलब इन लोगों ने बताया था उस हिसाब से कुछ दिया नहीं है। इन लोगों ने खाली लाइट दे दिया है, पानी का टैंकर आता है, लेकिन वो भी बरसात के टाइम पे हम लोग भी जो पानी टैंकर आता नहीं है बरसात में, क्योंकि जो पानी बरसात में जो टीने से पानी गिरता है वो ड्राम में पानी से आता है, उसी से हम लोग नहाते हैं, उसी से कपड़ा धोते हैं, क्योंकि 4 दिन में 5 दिन में हफ्ते में 10 दिन में टैंकर आता है बरसात में, उसके बीच में टैंकर आता नहीं है। और भी एक महिला हमारे साथ जुड़ चुकी है, आइए हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी आंटी यहाँ पर आप कितने समय से रह रहे हो? मेरे को लगभग 50-55 साल हो गए यहाँ पे मैं है। हाँ मेरे चार बच्चे का जन्म यहाँ का है, मैं यहीं की रहवासी हो गई थी। हम शिमला कॉलोनी में रहते थे, बारफड़े शिमला कॉलोनी, वहाँ से हमको यहाँ लाके रख दिए कि हटाए दिए, वहाँ से हमको बड़ी बड़ी बातें करके सरकार ये देने वाला है, घर देने वाला है, लेटरिन बाथरूम देगा, रोज़गार देगा, ये देगा, अपन हमको ये कुछ नहीं मिला है। हमको हम खाली हमारे परेशानी में फंस गए कि आज हमको खाने के तक लाले पड़े, हमारे पास खाना ना पीना ना रोजगार ना रोटी ना रहने की सुविधा है हमारे पास, ना हमको पानी ना लेटरिन ना बाथरूम ना कुछ है। हमारे जवान जवान बच्चे हैं हमारे, टेचू बनाए बोले नौकरी देंगे, तुमको रोजगार देंगे, ये बात करके हमको वहाँ से हटाया। आज हमारे बच्चे घूम रहे हैं गली गली, हमको ना नौकरी दे रहे ना रोजगार दे रहे ना धंधे की जगह है, हम किस तरह से यहाँ जिएंगे ये हमको सरकार ने बताना चाहिए, हमको वो बोलना चाहिए। हाँ हमारे बुढ़े इंसान हम कहाँ जाएंगे कमाने, लेटरिन बाथरूम के लिए, पानी भरने के लिए, ये सरकार बोलती है बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे, क्या दिए? हमारे खुद के जो 2 पैसा बनाया था उससे हमने झोपड़ा झापड़ी बना लिया है, अभी हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, ना तन का कपड़ा है, ना हमको दवा खाने जाने के लिए रास्ता है, ना गाड़ी है, ना हमारे पास पैसा है, हमको खाली घुट घुट के मारने के लिए सरकार ने यहाँ ला के रख दिए। जी क्या नाम है आपका? हमको तो नहीं बोलने आएगा इतना। क्या नाम है आपका? कुसुम। बोल, बोल, आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हो? अभी हम लोग मैं रहती हूँ ऐसी उम्र हो गया 55 साल, मैं रहते रहके 42 साल का हो गई हूँ मैं यहाँ, हम लोग 45 साल हो गए इसी डैम के अंदर, इतना रोजगारी करके खा रहे थे इतना दिन से, अब अपने को कोई रोजगारी नहीं कुछ नहीं, हमारा पति का पांव टूट गया, कोई कमाने वाला नहीं, कोई घर नहीं द्वार नहीं, हम लोग यहाँ का वोटिंग वोटिंग सब करते हैं, सब कुछ है हमारे पास, सरकार बोले कि यहाँ हमको कुछ बनाना है, आप लोग हट जाओ इधर आ जाओ, तो हम जगा दिए हम लोगों को, अपना पैसा खर्चा करके हम लोगों ने बनाया जैसे तैसे, अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कहीं कमाने जाने के लिए हालत ऐसे है नहीं, उम्र हो गई अब क्या कमाएंगे, हम लोग तो कमा नहीं सकते, उम्र के हिसाब से हमको कोई काम देंगे भी नहीं, ऐसा हाल है, हम लोग बहुत परेशान में है। अब एक तो बारिश के टाइम इतना परेशानी है कि यहाँ साला हम चलने भी नहीं सकते, गिर जाते, इतना कीचड़ होती है यहाँ पर, हम लोग चल भी नहीं पाते,
पानी भरने जाने बहुत दूर यहाँ जाते हैं तो वो लोग भी मना कर देते हैं, बोले आप लोग इतना लोग का पानी भरोगे तो मेरा नल खराब हो जाएगी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते, बोलिए। क्या नाम है आपका? कुसुम सिंह। और भी यहाँ पर हमारे साथ एक भाई जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सर संदीप, संदीप नाम है। और आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हो? यहाँ पर 1 साल हो गए, पर इससे पहले जेपी में रहते थे और अभी यहाँ पे 1 साल से रह रहे हैं। यहाँ पे हमको सरकार लाके रखी है पर अभी तक कोई सुविधा नहीं दी है। सुबह टंकर आता है, एक बार पानी देके जाता है ना, अभी तक बाथरूम दिया हुआ है और बरसात में बहुत प्रॉब्लम होती है, पूरा रास्ता पूरा ख़राब है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर सुविधा के प्रश्न को लेकर आपने किसी अधिकारी से कोई रजूआत की है? हाँ, यहाँ के सीनियर लोग सब जाते थे बात करने साहब लोग से, पर अभी तक ऐसा कुछ बोल दिया नहीं जॉब की बनाएंगे, अभी तक कुछ बताया नहीं है। तो ये थे यहाँ पर गोरा गर्दी गांव के बाजू में रह रहे लोग, जिन लोगों का कहना है कि हम पहले यहाँ पर बारफरिया शिमला कॉलोनी में रह रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमको साइड में जंगल की आप यहाँ पर नज़ारा देख सकते हो, यहाँ पर जो भी एरिया है वो बिल्कुल जंगल एरिया है। हालांकि यहाँ पर पीने के पानी की भी सुविधाएँ नहीं है, शौचालय की भी सुविधाएँ नहीं है और रोजगारी की भी कोई सुविधाएँ नहीं है। हालाँकि पिछले 1 साल से ये लोग काफ़ी परेशानियाँ यहाँ पर झेल रहे हैं। ये हम यहाँ पर परिवार के सदस्यों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा महाजन है, मैं यहाँ पर 1 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग को जंगल एरिया में रख दिया गया है, यहाँ पर ना पानी की सुविधा है, ना शौचालय की सुविधा है, ना किसी प्रकार की सुविधा है, बच्चे लोग की स्कूल की भी सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ बारिश में पूरा पानी घर में आता है, हम लोग को ना रास्ते पर रोड बनाया है, ना कुछ दिया गया है, किसी प्रकार का हम लोग के लिए हॉस्पिटल भी नहीं है और हम लोग को सर्विस करने के लिए भी कोई साधन नहीं है। हम लोग कैसे कमाए, कैसे खाए, हम लोग को कोई यहाँ व्यवस्था नहीं दी गई है अभी तक। और भी यहाँ पर हम एक परिवार के लोग से आपकी मुलाकात कराएंगे और उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे, आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो। हालांकि अब यहाँ पर एक और घर में आ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ पर एक सदस्य और जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? महेंद्र सुरेश पटेल। आप कितने समय से यहाँ पर रह रहे हो? 1 साल से यहाँ रह रहे, शिमला कॉलोनी में हम लोग रहते थे 30-35 साल से, वहाँ से उठा के हमको यहाँ रख दिया गया है और बोला था कि भाई तुमको सब सुविधा देंगे, सब तरह की सुविधा करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में जैसा उन्होंने बोला था वैसा कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर बरसात के अंदर में यहाँ कीचड़ होता है, मतलब बहुत पाँव फंस जाते हैं यहाँ पर, बराबर है। और न जाने आने के लिए कोई रास्ता है, ना शौचालय है, ना रोड बना है, अभी तक 1 साल होने जा रहा है, ना थामला आप देख रहे हो, थामले पर भी लाइट नहीं है, जरा दिन में अंधेरा, रात को बहुत अंधेरा रहता है यहाँ पर। और बाजू या सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं, ये पहाड़ी से कभी भी जानवर कहीं से भी आ सकते हैं। और भी यहाँ पर हमारे साथ एक परिवार जुड़ चुका है, हम उनसे भी जाने का प्रयास करेंगे और हम यहाँ की जो परिस्थिति जो क्या है वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा कुसुम देवी है, मैं यहाँ गुजरात में आके 55 साल की उम्र हो गई, मैं छोटी टाइम से शादी होके आ गई थी। अब मैं हम लोगों का कोई रोज़गार नहीं, नवा लिमड़ी नवा गाँव में हम लोग का रूम था, कंपनी बोले गवर्नमेंट वाला कि आप लोग हट जाइए, आप लोग को जगह दे देंगे, आप लोग बनाइए आराम से, आपको हर चीज़ का सुविधा मिलेगा, नौकरी चाकरी जो चाहिए आपको सब देंगे। लेकिन हम लोग को ऐसे दिए हैं कि जंगल में देखिए, पीछे आप लोग देखिए क्या हाल है, पानी घर के अंदर इतना पानी बारिश में आ गई थी, हम लोग को चलने का रास्ता नहीं, इतना मुसीबत है, हम लोग तो कैसे दिन काट रहे तो भगवान ही जानते, दूसरा तो कोई मतलब नहीं है। हमारा पति का पाँव फ्रैक्चर हो गया, चल नहीं सकते, खाली इतना ही दूर संडास जाने का भी रात दी रात, अभी संडास लगे तो कहाँ जाएंगे बताइए, इतना दूर जाना पड़ता है, खेत वाले भी डांटते हैं, बोलते हैं आप लोग आके यहाँ गंदा कर दिए, अब कहाँ जाए, शौचालय तो है ही नहीं, जाना खाएंगे तो जाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, ऐसा हालत है। देखिए मेरे पति को कोई रोज़गार नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी है, एक घर में रहते हैं, कोई करने वाला नहीं है, एक लड़का है वो भी ऐसे है, उसका भी तबीयत खराब नहीं है, रहते हैं हमेशा, वो तो कोई कंपनी में छोटा मोटा काम करके आते हैं, उसमें हम लोग का रोज़गार क्या चलेगा बताइए, आजकल का महंगाई का ज़माना में क्या होगा, 4-5 हज़ार में कुछ होता है, घर संसार चलेगा, गरीब लोग का कहाँ से, अब कहीं जाएंगे बीमार पड़ गए हॉस्पिटल में जाएंगे तो 1,000-1,500 मांगते हैं, थोड़ा सा बुखार आ गया 100-200 का तो बातें नहीं, 1,000 से नीचे कोई बातें नहीं करते हैं, तो हम लोग कहाँ से चलाएंगे, गरीब लोग कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, हम लोग बीमार होके भी घर में पड़े रहते हैं, जाते नहीं, कोई सुविधा नहीं, यहाँ से जाने के लिए अभी रोड नीचे उतना दूर नीचे जाना पड़ते हैं, पैदल जाओ, कोई गाड़ी नहीं कुछ नहीं,
बहुत तकलीफ है। आप लोग को जो अच्छा लगे वो हम लोग की सुविधा करिए, आप बात आगे बढ़ाइए, हम गरीब लोग कहाँ जाए। आप पहले से बोल देते कि अपना अपना वतन में चले जाओ, आप हमारे यहाँ कोई लेना देना नहीं। आप वोटिंग के टाइम में घर बुला बुला के अपने सब हमारा सब कुछ बना दिया। गुजरात सरकार में सब कुछ है, वोटिंग कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ बिजली का है, सभी चीज़ हम लोग का नाम यहाँ ही है। हम लोग सबको बसिंदा यहीं हो गए, 55 साल की उम्र हो गई मेरी, अभी मैं काम नहीं कर सकती हूँ। सही बात। तो ये थे यहाँ पर बारफरिया शिमला गांव के लोग, जो लोग यहाँ पर गोरागर्दी गांव के बाजू में आकर उन लोगों को शिफ्टेड किया गया है। हालांकि यहाँ पर वास्तविक परिस्थिति जो देखी जाए तो हमने सभी घर के परिवारों के सदस्यों से बात की। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न है रोजगारी का, ना ही यहाँ पर शौचालय की कोई सुविधाएँ है, ना ही यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की कोई सुविधाएँ है। और गाँव लोगों का कहना है कि हम लोगों को यहाँ पर जंगल झाड़ियों में ला के शिफ्ट कर दिया है, और यहाँ पर जंगली जानवरों का भी भय है। अगर यहाँ पर रात को भी जंगली जानवर जो है वो दिखाई देते हैं। हालांकि यहाँ पर कोई दुर्घटना शायद हो जाए भविष्य में, तो उसके लिए जवाबदारी कौन होगा? यहाँ पर गुजरात सरकार और भारत सरकार गरीबों के विकास के लिए कई सारी योजनाएं ला रही है और गरीबों का विकास भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर स्थानिक अधिकारियों द्वारा ऐसे गरीब लोगों को परेशान किया जा रहा है और उन लोगों को ना ही किसी प्रकार की रोजगारी या ना ही किसी प्रकार की सुविधाएँ दी जाती है। गांव लोगों का कहना है कि हम पिछले एक साल से यहां पर रह रहे हैं, हमको पानी की समस्या है, यहां पर बिजली की समस्या है, रात के समय में हम घर से बाहर नहीं जा सकते। अगर हमारा कुछ भी काम हो, जैसे कि सब्जी और घर की कोई भी चीज़ लेने के लिए हमको यहां से 6-7 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और यहां पर हम जो रह रहे हैं उसके पास कोई भी सुविधा यहां पर हमको दी गई नहीं है। क्या गुजरात सरकार और भारत सरकार इन गरीब लोगों की बात सुनेगी और उनकी जो कुछ भी समस्याएं है वो निपटाएगी? इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।